हेलो एवरीवन दिस इज़ प्रोफेसर शाहिद बाबा आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है प्लानिंग एडवरटाइजिंग कैंपेन ओके फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि एडवरटाइजिंग कैंपेन क्या होता है ओके एडवरटाइजिंग इज़ व्हाट जहाँ पर हम यू नो अवेयर कर रहे हैं लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में दैट इज एडवर्टाइजिंग वॉट इज कैम्पेन कैंपेन का मतलब क्या होता है है ना कैंपेन का मतलब होता है जहाँ पर हम अपने आइडियाज़ या हम अपना व्यूज़ जो है वो लोगों तक पहुँचाते हैं ठीक है तो ये कैंपेन हो सकता है फॉर एग्जांपल ड्रग कैंपेन, आजकल यंगस्टर्स जो है वो बहुत ही यू नो यूज हो चुके हैं ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं तो हम कैंपेन निकाल सकते हैं उनके उन्हें बताने के लिए कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है ओके okay? वैसे ही कोविड सिचुएशन में हम लोगों को यू नो ऑनलाइन मैसेजेस पहुंचा सकते हैं तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर वी आर मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द एडवांटेजेस टू स्टे होम ओके इफ दे आर एट होम दे आर सेफ तो ये नॉर्मली क्या है कैंपेन ओके जागरूक करना तो और अगर मैं बात करूँ प्लानिंग ओके okay, तो प्लानिंग इज नथिंग बट जो हम चीज़ें वेल इन एडवांस सोचते हैं हम उसे प्लानिंग कहते हैं है ना तो प्लानिंग एडवरटाइजिंग कैंपेन क्या होता है तो एड कैंपेन एक सीरीज है जहाँ पे सभी जन अपना कॉमन आइडिया या फिर थीम लेकर आते हैं ठीक है और लोगों तक पहुँचाते हैं क्यों लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि उन्हें अवेयरनेस आ सके ठीक है उन्हें पॉजिटिव एटीट्यूड आ सके टूवर्ड्स द प्रोडक्ट और टूवर्ड्स द ब्रांड अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रहा तो कहीं ना कहीं ब्रांड इमेज क्रिएट होता है और अगर ब्रांड इमेज क्रिएट हुआ तो कहीं ना कहीं हम डेवलप कर सकते हैं ब्रांड लॉयल्टी ओके अब अग ये मैंने चार चीजें कहा कि मेरा मेन मकसद क्या है एड कैंपेन का है ना तो पहले हमें बत, हमें चेकलिस्ट you know, लिस्ट, लिस्ट, बनाना पड़ेगा कि हमें एड कैंपेन करनी कैसे है तो हमें प्रोडक्ट कौन सा बेचना है वॉट एम आई सेलिंग टू होम एम आई सेलिंग वेयर इज द प्रोडक्ट बीइंग यूज्ड और सोल्ड वेन विल द प्रोडक्ट बी परचेज एंड यूज है ना तो प्रोडक्ट प्रोस्पेक्ट प्लेस एंड टाइम ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सोच समझ के बनाना पड़ता है क्यों जब भी हम एड कैंपिन अगर बनाते हैं तो ये चार पॉइंट दिमाग में रखना पड़ता है ओके क्लियर वॉट इज प्लानिंग एडवरटाइजिंग कैंपेन अब उसके स्टेप देख लेते हैं कॉमन आइडिया और थीम एड कैंपेन यूज डाइवर्स मीडिया चैनल पर्टिकुलर टाइम फ्रेम ऑल राइट नेक्स्ट स्टेप्स सबसे पहला जो स्टेप्स है वो है रिसर्च इनपुट सी प्लानिंग एंड कैंपेन बिगिंस विद द रिसर्च अगर हमने रिसर्च नहीं किया तो क्या किया है ना तो रिसर्च में हम क्या क्या लेंगे हम अपना प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे हम हमारे कस्टमर्स के बारे में देखेंगे हम कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस के बारे में देखेंगे जैसे तो मैंने अभी बताया प्रोडक्ट प्रोस्पेक्ट प्लेस एंड टाइम ये चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम एड कैंपेन बनाते हैं तो ये चार चीजें क्या है दे आर माई इनपुट्स ओके नेक्स्ट इज टारगेट मार्केट सो रिसर्च हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट्स टारगेट मार्केट्स को हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एज ओके डिपेंडिंग अपॉन द साइकोग्राफिक देन आई कैन से डिपेंडिंग अपॉन द सोशोग्राफिक ऑल राइट तो जो एडवर्टाइजर होगा या यू you नो know, जो एजेंसी होगा वो बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से लोगों को हमें कभी किस वक्त कहाँ पर सामान बेचना है तो ये क्या हो गया हमारा टारगेट मार्केट ऑल राइट नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन ओके ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन में क्या था जैसे मैंने कहा वी आर वी आर यू नो क्रिएटिंग अवेयरनेस ओके फिर बिल्डिंग द ब्रांड इमेज अगर ब्रांड इमेज बिल्ड हो गया है तो अब हम क्या करेंगे वी नीड टू डेवलप द ब्रांड लॉयल्टी तो ये तीन जो चीजें हैं वेरी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन राइट नेक्स्ट इज एड बजट अब जब हम एड बजट की बात कर रहे हैं तो एडवर्टाइजर या फिर यू नो एजेंसी होगा वो फिक्स करेगा एड बजट्स ओके फंड्स मेरा प्रोडक्ट कौन सा है मेरा कस्टमर्स कौन है मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन है कौन सा एरिया हम कवर कर रहे हैं कौन से टाइप्स ऑफ मीडिया है तो ये सब को यू नो माइंड में लेकर व्हाट आर वी गोना डू इज़ वी विल फ्रेम अ एड बजट राइट नेक्स्ट इज मैसेज सी द एड एजेंसी डिसाइड्स द मैसेज और द थीम ऑफ द ऐड कैंपेन नाउ द एड एजेंसी डिसाइड दी अपील टू कन्वे द मैसेज बाइंग मोटिव क्या है वापस प्रोडक्ट कौन सा है उसके फीचर्स कौन से हैं उसका प्राइस कौन सा है एक्सेट्रा तो ये सब कुछ क्या है ये मेरा नॉर्मल मैसेज है जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ अब एक एग्जांपल ले लेते हैं सोर्फ एक्सल ओके okay? सोर्फ एक्सल का मेन मैसेज क्या है कि जो भी गंदगी है उसे साफ करना ऑल राइट तो दिस इज़ द मैसेज ओके तो ये एड कैम्पेन का क्या है ये मैसेज है नेक्स्ट इज मीडिया सिलेक्शन सी द कैम्पेन प्लानर हैज़ टू डिसाइड कि कौन सा अप्रोप्रिएट मीडिया होगा फॉर एग्जाम्पल किंडर जॉय ओके किंडर जॉय जो है वो बच्चों के लिए बना हुआ है तो इनका मीडिया सिलेक्शन कौन सा होगा इनका मीडिया सिलेक्शन विल बी कार्टून नेटवर्क क्यों क्योंकि यहाँ पर बच्चे अक्सर यू नो दे आर यूज टू वॉच दे आर कार्टून इन दिस पर्टिकुलर चैनल तो हम किंडर अंदर जो है यू नो ये जो भी सीरियल वाले अलग अलग चैनल्स हैं वी के नॉट सेलेक्ट दोज मीडिया ओके क्योंकि चिल्ड्रेंस आर नॉट यूज टू सी और यू नो दे आर नॉट यूज टू सिट एंड वॉच दोज टिपिकल ओके तो मीडिया को हमें सेलेक्ट करना है नेक्स्ट इज़ मीडिया स्केड्यूलिंग कौन से बराबर से टाइम पर हम अपना एड कैंपेन चला रहे हैं ओके okay. तो एड कैंपेन हम किस तरीके से कौन से टाइम पर चला सकते हैं एकदम सुबह सुबह नहीं चला सकते हैं क्योंकि लोग जो है उठ के तुरंत टीवी नहीं देखते हैं ना ही हम आफ्टरनून में चला सकते हैं क्योंकि वो उनका नॉर्मल नैप टाइम होता है हम एकदम रात में नहीं चला सकते क्योंकि अगेन वो सो रहे हैं। तो हम पिक टाइम लेंगे ओके okay? जहाँ पे पूरा फैमिली मेंबर्स टीवी देखता है तो एट ओ क्लॉक से टेन ओ क्लॉक ट्राइम स्लॉट होगा या आई कैन से मॉर्निंग नाइन ओ क्लॉक और टेन ओ क्लॉक टू एलेवन ओ क्लॉक हो सकता है तो ये होगा मीडिया स्केड्यूलिंग ऑल राइट नेक्स्ट इज अप्रूवल ऑफ द क्लाइंट सी द एड एजेंसी नीड टू टेक अप्रूवल ऑफ द क्लाइंट है ना कौन सा मीडिया है कौन सा स्केड्यूलिंग स्ट्रेटेजी है ना एक्सेट्रा अगर तो क्लाइंट से अप्रूवल हो गया है तब हम जाके एग्जीक्यूट करेंगे कैंपेन को कैंपेन जो प्लान है कैंपेन प्लान वो फाइनली एक्शन में लिया जाएगा टाइम एंड स्पेस जो है वो मीडिया का बुक किया जाएगा एंड कैंपेन को अच्छे तरीके से यू you नो know, प्लेस एंड प्रिपेयर करना है और फिर मॉनिटर करना है all right and the last is the feedback see effectiveness of the campaign can be measured by conducting the post campaign test okay ab yahan pe kitna feedback mil raha hai कितने लोग इस campaign को देख रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है है ना तो इससे हमें क्या मिलेगा इससे हमें फीडबैक मिलेगा राइट तो ये कुछ स्टेप्स थे स्टेप्स ऑफ प्लानिंग एडवरटाइजिंग कैंपेन द फर्स्ट इज रिसोर्च इनपुट टारगेट मार्केट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन एड बजट मैसेज मीडिया सिलेक्शन मीडिया स्केड्यूलिंग अप्रूवल ऑफ द क्लाइंट एग्जीक्यूटिंग कैंपेन एंड द लास्ट इज फीडबैक होप ये जो टॉपिक था प्लानिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन समझ में आया होगा इफ यस